हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये 31 जुलाई की सुबह है और आज वीडियो एक डिफरेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक ये है कि मेरे पास एक क्लाइंट आए मिलने 3 दिन पहले और किसी ने रेफरेंस से भेजा था। और जब मेरे ऑफिस पहुँचे तो उन्हें पता चला मैं हूँ। कहते सर आपके तो वीडियोस हम बहुत देखते हैं बट कभी हमने आपको अप्रोच नहीं करा क्योंकि हमें लगा कि सिर्फ आप प्राइवेट कॉलेज के स्पेशलिस्ट हैं। मैं ऐसे कैसे हो सकता है, MBBS की नॉलेज तो जिसको होगी सब कुछ ही होगी, लेकिन डेफिनेटली देर आर फ्यू थिंग्स विच आर डन इन प्राइवेट कॉलेजेस, चाहे वो NRA नेगोशिएशन हो या मैनेजमेंट सीट नेगोशिएशन हो या उससे भी पहले बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, वीडियोज़ के माध्यम से समझाता हूँ। MBBS एकमात्र कोर्स ऐसा है जहाँ फीस में बड़ा मेजर फ़र्क है बिटवीन सरकारी कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस। बाकी जितने भी कोर्स हैं इंडिया में, BBA, BTech, MBA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज़ नॉट मच डिफरेंस। BTech में IITs भी 1-1.5 लाख फीस ले रही हैं, VIT बिट्स पिलानी 5-6 लाख साल की फीस ले लेंगे। BBA में नॉर्मल कॉलेजेस 1-1.5 लाख फीस ले रहे हैं, OP जिंदल सिम्बोसिस वही 5 लाख रुपये ले लेगा। तो आप कभी ये नहीं सोचते बहुत ज़्यादा BBA या BTech या फैशन में कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं। बट MBBS में द डिफरेंस इज ह्यूज। तो इसलिए तो हम सरकारी कॉलेज के पीछे भागते हैं ना कि फ़ीस कम है, इसलिए नहीं भाग रहे कि वो ग्रेट कॉलेजेस हैं। सरकारी की शायद मैक्सिमम फ़ीस 1 लाख रुपये है, प्राइवेट शुरू ही हम जानते हैं कि 7 लाख से होता है या 5.5 लाख से। CMC लुधियाना को ले लोगे आप या CMC वेल्लूर तो चलो एक्सेप्शन हो गया, फिर 7 लाख में आपको सेंट जॉन से केरला मिलेगा और देन एवरीथिंग इज़ अबव 10 लाख, इज़न्ट इट, एंड एवरेज वुड बी 15-18 लाख रुपीज़। और उसकी वजह से काफ़ी बच्चे हैं जो 600, इस साल की बात करें तो 620 नंबर लाकर भी ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमारे पास 5-6 लाख रुपये साल की फ़ीस देने के पैसे भी नहीं है, इज़न्ट इट। ऐसा किसी और कोर्स में नहीं होता कि आपको इसलिए ड्रॉप करना पड़ रहा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी आप में से ड्रॉप करने वाला है वो सुनो, इसलिए ड्रॉप कर रहा है कि मुझे सिर्फ सरकारी में जाना है, हमको बेसिकली लो कॉस्ट कॉलेज में जाना है। जैसे कोई नॉर्थ इंडियन दिल्ली हरियाणा डोमिसाइल का बच्चा जिसके साथ 635 नंबर है जनरल कैटेगरी, उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, उसको इंडिया का बेस्ट पॉसिबल प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, कस्तूरबा, जिस पे हाथ रखे मिल जाएगा, पर वो नहीं ले रहा ना, क्योंकि भाई उसका एक बजट था या सपना था कि सरकारी कॉलेज मतलब मेरी पूरी पढ़ाई 10 लाख में हो जाएगी और कस्तूरबा में तो 85 लाख रुपए लगेंगे। तो ये जो डिफरेंस है 10 और 85 का, ये बहुत बड़ा है फॉर ऑल दी प्राइवेट कॉलेज वर्सेज सरकारी कॉलेज। और यही कारण है कि हम सरकारी कॉलेज के पीछे भागते हैं। तो चूँकि बजट कंसिडरेशन है ही नहीं, तो क्या खर्चा होने वाला है, क्या मिलेगा, क्वालिटी को लेकर हम ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है ब्रॉडली, क्योंकि सरकारी तो मिल रहा है, फ्री में तो हो रही है। अब जब एक बार सरकारी मिल रहा है तो डेफिनेटली वी वॉन्ट टू गो टू गुड सरकारी कॉलेज, बेटर सरकारी कॉलेज। तो हमारे पास एक, जैसे हम शुड आई से कि एक बड़ी मेहनत से बनाई हुई, जैसे कहते हैं ना कि प्रिविलेज एक्सेल शीट, और एक्सेल शीट बोलता हूँ मैं, जिसमें लास्ट ईयर की बात करें तो हमने अपने क्लाइंट्स को दिया 1 से लेकर 320 सारे कॉलेज लिखे हुए, वो भी एक्सेल में, जिसमें एक कॉलेज का नाम है, स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, ताकि आप ऊपर नीचे भी कर सको। और हमने उसको 1 से 320 के प्रायोरिटी तक दे रखा है कि आँख बंद करके हम वो भर सकते हैं, नज़र मार के। वेयर A1 इज़ डेफिनेटली एम्स दिल्ली, नंबर 2 इज़ मौलाना आज़ाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हमने नॉर्थ इंडियन परस्पेक्टिव से फिलहाल रैंक दे रखी है, क्योंकि मद्रास मेडिकल कॉलेज, स्टैनली मेडिकल कॉलेज जितना भी अच्छा हो, लेकिन एक दिल्ली का बच्चा या नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट का बच्चा वहाँ पर जाके लैंग्वेज और फूड इशू ज़रूर फेस करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेसिज्म एंड ऑल दैट। तो जब आपको 5.5 साल रहना है तो भाई उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये मैं हमेशा प्रीच करता हूँ। तो अगर आपको स्टैनली मिल रहा है या मद्रास मेडिकल मिल रहा है तो अहमदाबाद का भी कुछ टॉप क्लास मिल ही जाएगा, ठीक है, नहीं तो जिम्स का आसना मिल जाएगा, नहीं तो महाराष्ट्र का भी मिल जाएगा, एटलीस्ट आपको लैंग्वेज फूड को लेकर इशू नहीं होगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने वो एक्सेल शीट बनाई है जो हमने क्लाइंट्स को देते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं। सिमिलरली जैसा कि मैंने कहा कि आप गवर्नमेंट में 2 ही कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हो, एक आपकी होम स्टेट की होगी, एक इंडिया कोटा होगा, जबकि प्राइवेट में आप 4, 6, 8 जगह पार्टिसिपेट करते हो, 1-2 लाख डिपॉजिट जाते हैं आपके, 5 लाख भी जाता है कहीं जगह, NRA सीट के लिए 10 लाख रुपये भी जाता है। सरकारी में तो मैक्सिमम ही 10-20-25, UP में 30 हज़ार ले लिया जाता है, पर मोस्टली 2 और 10 हज़ार का खेल है। तो आपको डिपॉजिट्स की भी चिंता नहीं है, 2 ही कौन से पार्टिसिपेट करना है। तो ज़्यादा जो जोर है वो बिल्कुल इस बात पे है कि मैं अपने स्टेट का सेकंड राउंड तक इंतज़ार करूँ, ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड में लूँ, थर्ड राउंड में लूँ, स्टेट का थर्ड राउंड सिलेक्ट करूँ। पर दो ही तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, MCC और स्टेट की, गिन के मैक्सिमम 2 काउंसलिंग है, 6, 7, 8 है ही नहीं। डिपॉजिट्स भरने की चिंता नहीं है, वो टेंशन नहीं है। तो चूँकि कॉम्प्लिकेशंस प्राइवेट वाली से एक्चुअली कम है, यहाँ पर ज़्यादा फोकस ये है कि हमसे गलती ना हो जाए प्रोसेस में, प्रोसेस हम ठीक से करें, दोनों काउंसलिंग में जगलिंग ठीक से कर लें, एंड अल्टीमेटली बेस्ट कॉलेज हम ले लें, राइट।
और डिपॉजिट्स की भी चिंता नहीं है, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखते हो मेरी तरफ से कि अब मैं एक एक कॉलेज में जाके ये बताऊं कि नहीं भी अटल बिहारी चैन सा जाने लायक नहीं है। अरे भाई चूँकि सरकारी है तो आप जाओगे ही जाओगे ना, तो प्राइवेट में ऐसा होता है कि बंदा खुद छोड़ो या ड्रॉप कर लेंगे नहीं तो कुछ और कर लेंगे, बट ऐसे कॉलेज से जाने से अच्छा है। बट गवर्नमेंट में तो मरता है बंदा जाने के लिए, बल्कि दुनिया भर के पेपर रोड भी तो इसलिए होते हैं ना कि सरकारी में जाना है या जो आप कोशिशें करते हो वो सब करते हो। तो बिकॉज देर इज़ नॉट मच कॉम्प्लिकेशंस, जो भी हमारा सरकारी कैंडिडेट होता है हमें पता है कि दो ही कौन से पार्टिसिपेट करना है। ज़्यादा फोकस ये है कि वो 320 जो शायद 360 हो जाएगा उसकी लिस्ट को ठीक से भरा जाए, क्योंकि वो एक ही में MBBS और BDS दोनों कॉलेज होते हैं, चॉइस से भरा जाए, अल्फाबेटिकली नहीं खींच ले जाइए, पता चले कि दिल्ली का बच्चा हो नंबर वन पे आपने कोई तमिलनाडु कॉलेज डाल दिया, तो उसको भरने में ही 4 से 5 घंटे लगते हैं हमारे एक रिसोर्स को। वो एक्सेल शीट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही काउंसलिंग में जगलिंग होती है, एंड इट इज़ मोर ऑफ फॉलोइंग द प्रोसेस। एंड उस 320 में डेफिनेटली क्वालिटी को हमने कंसिडर किया हुआ है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि आप वो नहीं देख रहे हो ना, कि सोच रहे नहीं आपको कि यार यूपी का मैं हल्का कॉलेज बिलो एवरेज कॉलेज 70 लाख में ले लूँ या मैं टॉप क्लास कॉलेज 90 मिलूँ या 10 मिलूँ। यहाँ तो बजट तो फैक्टर है ही नहीं, आप ज़्यादा पैसे खर्च करके तो नहीं आपको मौलाना आजाद मिल जाएगा, सरकारी तो प्योर नंबर से मिलना है और प्योर सबका बजट सेम है। तो चूँकि कॉम्प्लिकेशंस कम है इसलिए ज़्यादा वीडियोस मैं बनाते ही नहीं हूँ, कि इट इज़ मोर ऑफ ए प्रोसेस। तो जैसे जैसे जब काउंसलिंग शुरू होगी तो वो वीडियोस आते हैं, क्या कट ऑफ चल रही है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। और फिर इस ईयर जो मैं आप सबको डे वन से बताया था कि किसी को लगा कि सर रिजर्वेशन के बारे में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैंने बार बार उस वीडियो में भी कहा था, और अब चूँकि काफ़ी लोग मेरे साथ नए जुड़ चुके हैं, इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले सरकारी सीट की प्रेडिक्शंस बहुत मुश्किल हो गई है, खासकर जनरल कैंडिडेट के लिए। क्योंकि आपको फिर से क्विकली मेरा वो वीडियो ढूंढ लीजिए, इंडिया में जब रिजर्वेशन लगती हैं तो 27% OBC, 15% SC, 7.5% ST, 10% FWS और बाकी जो 40% है वो जनरल सीट नहीं कही जाती है, वो अनरिजर्व सीट कही जाती है। तो जनरल कैटेगरी जो बच्चे होते हैं उनकी नीट स्कोर कार्ड तो जनरल लिखा होता है, लेकिन वो जो सीट है वो अनरिजर्व है, दैट मीन्स वो सब बच्चों के लिए अवेलेबल है। दैट मीन्स अगर ऑल इंडिया रैंक नंबर 4 इस साल कोई OBC है तो वो जब एम्स दिल्ली की सीट लेगा तो OBC की सीट नहीं कम होगी, अभी अनरिजर्व की कम होगी, और जब ख़त्म हो जाएंगी सीटें तब OBC का कोटे से निकलना शुरू होगा। रफली मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर सिर्फ 32% बच्चे थे फाइनली मेडिकल कॉलेज में जो जनरल कैटेगरी के थे, इस साल वो फिगर घट के पक्का 25% से भी नीचे रह जाएगी, 24 या 25%। लॉजिक ये है कि भाई जब OBCs बहुत मेहनत कर रहे हैं या OBCs में सारी क्रीमी लेयर्स आ गई हैं जो उनका बैकग्राउंड अच्छा है, तो जो 20 साल पहले हम कहते थे कि भाई टॉप 100 में 70-80 जनरल कैटेगरी के होते हैं, 5-15 OBC के होते हैं, 2 SC 1 ST, और वही रिजर्वेशन के अगेंस्ट लोग बोलते थे कि भाई मेरिट कंप्रोमाइज़ हो रही है, अब तो टॉप 100 में एक्चुअली पता है OBC अनरिजर्व से ज़्यादा हैं। जी हाँ, नाउ OBC कैंडिडेट्स आर मोर देन अनरिजर्व इन जनरल इन टॉप 100, टॉप 1000 आप कोई भी उठा लो, कोई ये बातें नहीं करता, टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 1 लाख, टॉप 2 लाख। तो इसलिए मेरे पास आगे ना वो बेचारा क्लाइंट कह रहा सर हमारी तो मस्त है 22,000 रैंक है लेकिन कैटेगरी रैंक सिर्फ 8,000 है, तो हम जनरल में तो सिर्फ 8,000 हैं। तो मैंने उनको समझाया अब जनरल में 8,000 नहीं हो, आप अनरिजर्व में हो, दैट मीन्स ये इसका मतलब ये है कि टॉप 22,000 में अब जनरल सिर्फ 8,000 हैं, ST 10-20 होंगे, SC 50-100 होंगे, दैट मीन्स बाकी 14,000 OBC हैं। तो अगर टॉप 500 में, या मेरे पास तो एक एग्जैक्टली एक 680 वाला बच्चा भी है, ये 640 नंबर का बता रहा था, तो अगर मैं 680 का बताऊँ उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार कितनी हालत टाइट है। और इसलिए फिर मैं वीडियोस और कम बना रहा हूँ कि मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। 675 नंबर एक बच्चे की अगर हैं तो उसकी 10,169 ऑल इंडिया रैंक है और कैटेगरी रैंक सिर्फ 4,500 है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये खुशखबरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि चलो रफली मान लेते हैं 10,169 में शेड्यूल कास्ट होंगे 125, ST होंगे 510, दैट मीन्स 10,000 बच्चों में 4,500 जनरल है तो 5,500 OBC हैं, तो बिल्कुल बराबर चल रहा है टॉप में, कि टॉप 100 में 50 OBC है, 50 जनरल है। तो भैया वो जो सीटें दी जाएंगी ना अनरिजर्व वाली, वो OBC वाले बच्चे जब लेंगे तो वो सारी सीटें काउंट होंगी अनरिजर्व में, मतलब OBC का कोटा भी सुरक्षित रहेगा, और जब वो सीटें नीचे पहुँचेंगी तब OBC के बच्चों को मिलेंगी जब एक तरह से अनरिजर्व सीटें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस बार जनरल कैटेगरी हालत तो बहुत टाइट है, और 25% भी मैं दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ, शायद वो और गिर के 22-23% पे आ जाए,
मतलब अल्टीमेटली मौलाना आज़ाद में जनरल कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं उनको शायद 22 या 23% सीटें ही मिलेगी, 40% नहीं मिलेंगी। तो इसलिए जो मेरे पास एक अब वो बच्चा तो खुश हो रहा है सर 4500 मेरी जनरल, या जो ये कल मैंने केस बता रहा हूँ कि भाई वही सेम 22,000 में मेरी रैंक तो जी 8,000 है। तो मैं कहा इसका मतलब ये है कि OBC 14,000 हैं आपकी, बल्कि 18,000 होती तो ज़्यादा चांस था, 8,000 क्योंकि आपके लिए तो अलग, आपके लिए अलग से रिजर्वेशन थोड़ी ना है आपका, तो आप तो बाकी चार बाकी सबके साथ कम्पीट कर रहे हो फॉर अनरिजर्व सीट्स। तो इसलिए मैं ज़्यादा सरकारी वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ OBCs एंड वेरी अप्रिशिएटेड जनरल कैटेगरी बच्चों को सरकारी सीटें और कम मिलने वाली हैं। अब फिर से प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा कोई फंडा है ही नहीं, खासकर डीम्ड में या मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जहाँ कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है। तो इसलिए फिर से मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन बिल्कुल जो भी स्टेट्स जैसे कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग जहाँ पर वो 1.5 लाख वाली 40% सीट्स हैं और उसमें अगर कैटेगरी रिजर्वेशन हैं तो कर्नाटका के जो लोकल बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के उनको नहीं मिलने वाली सीटें बहुत सारी, क्योंकि पहले वो मैं टॉपर OBC को अनरिजर्व सीट मिलती है, टॉपर SC को अनरिजर्व सीट मिलती है, SC नहीं मिलती है। तो SC की 15% 30% सीटें तब अलोकेट होती हैं जब अनरिजर्व ख़त्म हो जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और यही बस मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट की वीडियोस अभी तक बनाने शुरू नहीं किए कि एक तो कॉम्प्लिकेशन ही बहुत कम है, दो ही काउंसिल में पार्टिसिपेट करना है ऑल इंडिया और स्टेट, प्राइवेट में आप 5, 6, 7, 8 जगह करते हो, प्राइवेट में आपको सोचना होता है 80 लाख करूँ कि 1 करोड़ लूँ, मिल से पहले हिडन चार्ज या कुछ भी चार्ज एग्जामिनेशन फीस के नाम पे आपसे लाख रुपए साल के ले लिए जाते हैं, सरकारी में तो लाख रुपए पूरी पढ़ाई हो जाती है 1 साल की, प्राइवेट में वही लाख रुपए नीचे चुपचाप से डाल दिए जाते हैं, लाइब्रेरी चार्ज 75,000 पर ईयर, एग्जामिनेशन फीस 1 लाख, पीपल आर पेइंग, मतलब तो बजट इज़ नॉट ए फैक्टर इन प्राइवेट सरकारी। तो जब सरकारी की हम काउंसलिंग करते हैं तो बजट को दिमाग में रखते ही नहीं है, सिर्फ क्वालिटी, लोकेशन प्रेफरेंस, सिटी प्रेफरेंस, लैंग्वेज एंड फूड प्रेफरेंस, दो काउंसलिंग में जगल करना है, स्टेट और ऑल इंडिया, कब ऑल इंडिया छोड़ देना है, कितने तक स्टेट का वेट करना है वो देखना होता है। इसलिए उसमें मैं कहूँगा रिलेटिवली कॉम्प्लिकेशंस कम है, जबकि स्ट्रेस बहुत हाई हैं सरकारी सीट मिलना, और उसमें भी मैं कह रहा हूँ मैं खुद बहुत कन्फ्यूज हूँ, एंड जो भी मेरी वीडियो सुनते हैं आपको मालूम है कि आई एम वेरी वेरी हाईली एनालिटिकल पर्सन बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इस साल जनरल कैटेगरी के बच्चों को 22 से 23% ही सरकारी सीटें मिलने वाली हैं, मैक्सिमम 25%। तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसमें भी यह है कि कॉलेज बाई कॉलेज रिजर्वेशन चलती है, ओवरऑल नहीं चलती है, समझे बात को। तो उसके हिसाब से मैंने आपसे कहा कि मामला बहुत टाइट है इस साल सरकारी में, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पा रहा कि भाई क्या होगा। तो OBCs को बेनिफिट है और उसके हिसाब से जनरल कैटेगरीज काफ़ी मुश्किल में इस साल व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट सीट, और इसलिए मैं बहुत सारे वीडियो नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सरकारी सीट की काउंसलिंग आती नहीं है या हम लोगों की हेल्प करते नहीं हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बहुत अच्छे से करते हैं। एंड जैसा मैंने कहा, कीप वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आज 31 जुलाई है और होपफुली हमारी 7-8 लीड्स चल रही है जिनकी पेमेंट आज या मैक्सिमम कल तक में आनी चाहिए, तो देन वी आर क्लोजिंग अवर इनटेक। तो ये आपके लिए एक बस स्टार्ट है। तो इस वीडियो को सुन के खासकर जो सरकारी वाले जो वेट कर रहे थे कि हमेशा काम नहीं आता सरकारी का, यू कैन क्विकली कॉल अस एंड डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। और आज और कल तक का मैंने समय रखा है, एक्चुअली चूँकि काउंसलिंग लेट है तो मैं फिर से थोड़ा ट्रैवल करूँगा और बट नॉट टू मीट न्यू क्लाइंट्स वेरी फ्रेंकली। सो 2nd और 3rd को आई एम प्लानिंग अ विजिट, 1 डे इन पानीपत, 1 डे इन रोहतक, बोथ माई ऑफिसेस, जस्ट टू मीट द पीपल जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्लस उन ब्रांचेस में दूसरे काम जो हम करते हैं। थोड़ा सा टाइम अब है जब काउंसलिंग 10 दिन डिलेड है तो वहाँ पर भी फोकस कर लें। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और फाइनली फिर से सरकारी भी आता है हमें, बहुत अच्छे से आता है।